यूपी में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत दर्ज हुई है। आजमगढ़ में निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,670 मतों से हराया है। आजम खां के गढ़ रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 42,000 वोटों से मात दी है। इन दोनों सीटों पर सपा का दबदबा माना जाता था। अखिलेश आजम के इस्तीफा देने के बाद ये सीटें खाली हो गई थी। आजमगढ़ में इससे पहले 2009 में भाजपा के रमाकांत यादव चुनाव जीते थे, जबकि रामपुर में 2014 में भाजपा के डॉक्टर नेपाल सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं चुनाव का नतीजा आने पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए बोला है कि दोनों सीटों के परिणामों ने 2024 के चुनाव के नतीजों का संदेश दिया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा की जीत ऐतिहासिक मानी जाएगी, ये डबल इंजन सरकार अपने सपोर्ट को दर्शाती है। वहीं हार के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके लिखा है, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नामांकन निरस्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्रत्याशियों का दमन किया जा रहा है, मतदाताओं को रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग किया जा रहा है, काउंसलिंग में गड़बड़ी की जा रही है, जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है, चुनी सरकारों को तोड़ा जा रहा है, क्या ये है आज़ादी के अमृत का कड़वा सच? ब्यूरो रिपोर्ट IPN।